Good morning, everyone. Myself, Dr. Anand Pal Singh Kushwa. Today, we are going to discuss cervical plexus. Exam में 10 marks में पूछा जाता है. So, यहाँ पे हम लोग इसे define कर रहे हैं कि how to define cervical plexus. इसका diagram कैसे बनाना है और इसे content कैसे mention करना है with formula. So, exam में cervical plexus काफी important question है. 10 marks में पूछा जाता है. So, first of all, हम इसे diagram बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप लेंगे. फर्स्ट स्टेप में हम लोग फर्स्ट फेज जिसे बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हो. सबसे पहले फेज वन. फेज वन में आपको यहाँ पे फाइव डॉट ड्रॉ करना है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. फाइव डॉट ड्रॉ करने के बाद में ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? C1, C2, C3, C4, C5. बिकॉज हम लोग यहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सिस की बात कर रहे हैं. अब हमें इसे फर्स्ट डॉट को सेकेंड से, सेकेंड को थर्ड से और थर्ड को हमें फोर्थ से मिलाना है. ये हमारा फर्स्ट फेज पूरा हुआ डायग्राम का. फर्स्ट फेज पूरा होने के बाद में हम आएंगे सेकेंड फेज के अंदर. सेकेंड फेज में मैं अगेन वही 1, 2, 3, 4, 5 फाइव डॉट्स बनाने हैं. फाइव डॉट्स में हम लोग फर्स्ट को सेकेंड से मिलाएंगे, सेकेंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से मिलाएंगे. अब थर्ड को फोर्थ से मिलाने के बाद में हम थर्ड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन पे हम फिफ्थ को भी मिला देंगे. राइट. सो थर्ड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर हम फिफ्थ को मिला देंगे. ठीक है, ये फेज सेकंड. अब फेज थर्ड की बात करें तो फेज थर्ड में 1, 2, 3, 4 एंड 5 C1, C2, C3, C4 एंड C5. C1 को C2 से मिलाया, C2 को C3 से, C3 को C4 से मिलाया, C3 से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिस पे हमने C5 को मिला दिया. राइट. अब अनदर साइड पे हम लोग C1 को डायरेक्टली C3 पे मिला देंगे और C2 इन बिटवीन हम इसे कनेक्ट करना पड़ेगा. सो C1 टू C3 और C2 इन बिटवीन कनेक्ट होगा. अब यहाँ पे हम लोगों ने C1 से हमने अगेन एक और लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, अब इन सभी में जो हमने C1 टू C2 को हमने ड्रॉ किया था वहां पे हम लोग 1, then 1, 2, 3. C2, C3 हमने ड्रॉ किया था वहां पे 1, 2 एंड 3 और C3 और C4 पे हमने ड्रॉ किया था वहां पे 1, 2 एंड 3. सो अब ये लाइंस का नेम्स क्या है, नेम्स हम लोगों ने यहां मेंशन किया हुआ है. सो अगेन C1, C2, C3, C4 एंड C5. C1 टू C2 क्या है, सबसे ऊपर हमने लाइन जो ड्रॉ किया उसे बोलेंगे वेगस नाउ. देन हियर 1, 2, 3 ये है कैपिटिस मसल्स. ओके, सो वेगस नाउ एंड कैपिटिस मसल्स. C2 टू C3 को हमने ज्वाइन किया तो यहां पे हम बोलेंगे 1, 2 एंड 3 LOGATC, लोगाटीसी. इसे हम बोलेंगे लोगाटीसी. ठीक है, C3 टू C4 को हम लोगों ने ज्वाइन किया तो यहां पे हम लोग उसे नर्व्स को बोलेंगे सुप्रा क्लेविकुलर नर्व. देन अगेन C3 से हमने लाइन ड्रॉ किया और C5 से हमें उसे कनेक्ट कर दिया, ये कहलाएगी हमारी फ्रेनिक नर्व. देन C1 टू C3 को हमने ज्वाइन किया, सबसे ऊपर हमने एक नर्व डिफाइन कैसे बोलेंगे हाइपोग्लोसल नर्व. देन हियर C1 टू C2 को इन बिटवीन जो नर्व इसे बोलेंगे AC नर्व. तो यहाँ पे अब AC लोगा TC का फुल फॉर्म क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो AC मीन्स एंसा सर्वाइकेलिस लोगा. तो LO लोगा मीन्स लेजर ऑक्सीपिटल नर्व. GA ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व और TC ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक. ठीक है, फिर हमें इस डायग्राम को हमें मेंशन करना पड़ेगा, ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस. देन फाइनली कंटेंट. कंटेंट में जितने भी नेम हमने यहाँ मेंशन किए हैं वो सभी हमें लिखना है. सो वेगस नर्व, कैपिटिस मसल्स, लोगा टीसी, लेजर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, फ्रेनिक नर्व, एंसा सर्वाइकेलिस, हाइपोग्लोसल नर्व. राइट. सो ये डायग्राम बनाना काफी इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फेज में हमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट हमें ड्रॉ करना है. 1 टू 2 को मिलाना है, 2 टू 3 को मिलाना है, 3 टू 4 को मिलाना है, 3 से एक लाइन हमें मेंशन करना है जिसमें फिफ्थ को ज्वाइन करना है. फेज सेकंड के अंदर अगेन हमें थर्ड से एक लाइन ड्रॉ करने से फिफ्थ को उसमें मिला देना, यहाँ पे मेंशन करना है C1, C2, C3, C4 एंड C5. फेज थर्ड के अंदर C1 और C2 के बीच में 1, 2, 3, 4, C2 टू C3 में 1, 2, 3, C3 टू C4 में 1, 2, 3 और हियर हाइपोग्लोसल नर्व और AC C1 टू C3 मिलाएंगे, C2 को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे. देन अगेन हम उनके नेम मेंशन करेंगे तो C1 टू C2 में वेगस नर्व कैपिटिस मसल, C2 टू C3 में लोगाटीसी, C3 C4 में सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, देन अगेन C3 एंड C5 कनेक्ट हुआ फ्रेनिक नर्व में, C1 टू C3 में हाइपोग्लोसल नर्व और AC एंसा सर्वाइकेलिस. इस तरह से हम लोग एग्जाम में सर्वाइकल प्लेक्सिस को इजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, 10 मार्क्स में सफिशियंट है डायग्राम प्लस कंटेंट. थैंक यू.